विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम के जिन दो रागों के बारे में चर्चा करेंगे उसमें पहला राग है राग मियां मल्हार। राग मियां मल्हार जो है वो काफ़ी ताट का एक बहुत ही प्रमुख एवं प्रचलित राग है। इसमें जो लगने वाले स्वर हैं वो हैं ग कोमल, दोनों निषाद और शेष सभी स्वर शुद्ध, यानी इसमें गंधार कोमल लगता है और निषाद जो है इसमें दोनों प्रयुक्त होते हैं, शुद्ध और कोमल, और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर इसमें आरोह में गंधार और बाकी अवरोह संपूर्ण होता है, इसलिए इसकी जाति साढ़ा संपूर्ण मानी जाती है। वादी स्वर इस राग का है ऋषभ और संवादी स्वर है पंचम, और गायन वादन का समय इसका है रात्रि के 10 से 12 के बीच में ये गाया बजाया जाता है, और चूंकि ये मौसमी राग है इसलिए वर्षा ऋतु में इसे कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इसका जो आरोह है वो कुछ इस तरह से चलता है। सा मारे पा मापा निधा निसा, मंद्र सप्तक में जैसे ये मापनी धनी सा ये लिया जाता है उससे तुरंत ये राग जो है स्पष्ट हो जाता है। ये रे पा प्रमुख जो है स्वर संगति इसमें लगती है। अब अगला राग जो हम ले रहे हैं वो है मेघ मल्हार। मेघ मल्हार जो है वो काफ़ी थटका राग है वो भी, और इसमें जो है जो स्वर लगते हैं इसमें केवल कोमल नहीं लगता है और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग में ग और ध आरोह अवरोह दोनों में वर्ज्य हैं, इस कारण इसकी जाति ऑडम ऑडम मानी जाती है। वादी स्वर की जो है इसका सा वादी है और पा संवादी माना जाता है। कुछ लोग सा वादी और मध्यम संवादी मानते हैं लेकिन अधिकांशतः सा और पा पर ही को ही मानते हैं। गायन समय इसका भी वही, क्योंकि ये भी मौसमी राग है इसलिए वर्षाकालीन वर्षा ऋतु में इसको भी कभी भी गाया बजाया जा सकता है। इस राग की जो खासियत है वो यह है कि एक तो मारे पा जो मल्हार राग का स्वर मुख्य स्वर विन्यास है वो इसमें बहुत ही प्रमुख तरीके से लगता है, और ख़ासकर इसमें जो ऋषभ पर जो रे स्वर है उस पर एक आंदोलन होता है जिससे कि ये राग तुरंत स्पष्ट हो जाता है। अब इसका आरोह अवरोह पहले चलेंगे हम। ये
सारे मापा नीसा। सा नी पा मा रे सा, यानी ऋषभ पर जो है वो मध्यम का कण है। यानी ये दे मरे इसी तरह से पंचम पर जो है उस पे निषाद। जो ऋषभ पर मध्यम का कण है उससे ये राग जो है तुरंत जो है समझ में आता है। अब मध्यम पर इसमें जो न्यास होता है उससे ये राग जो है सारंग राग से अलग हो जाता है। इस प्रकार ये जो दो राग जो है आपके मल्हार रंग के राग है। थैंक यू।